ऋषि कपूर एक दिग्गज स्टार है। उनके काम की हर तरफ सराहना होती है और आज भी उनके काम की काफी चर्चाएं होती हैं। और इस महान कलाकार का जब निधन हुआ तो पूरे राष्ट्र को और बॉलीवुड को एक बहुत बड़ी क्षति हुई। तो चलिए आज इस महान शख्सियत की खूबसूरत प्रेम कहानी के बारे में जानते हैं। 18 साल के शशि कपूर ने एक खूबसूरत लड़की को ब्लैक एंड व्हाइट पॉलका डॉटेड हॉल्टर नेकलाइन ड्रेस पहने देखा। जब उन्होंने बैकस्टेज से अंदर झांका तो पहली ही नजर में उन्हें उससे प्यार हो गया और उन्हें पता चला कि ये लड़की वही है जो उनकी जिंदगी बदल देगी। खैर, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जेनिफर कैंडल है। शेक्सपियर की द टेम्पेस्ट पर आधारित नाटक में वो मिरांडा की भूमिका निभा रही थी। जब शशि कपूर जी उनसे पहली बार मिले, 18 साल के शशि कपूर सहायक स्टेज मैनेजर के साथ साथ अपने पिता के थिएटर समूह के लिए एक अभिनेता थे, जबकि 23 साल की जेनिफर अपने पिता जेफरी कैंडल के शेक्सपियरियन समूह के साथ थी। और यहीं से शुरुआत होती है शशि और जेनिफर की प्रेम कहानी की। लेकिन इस प्यारे जोड़े के लिए ये राह इतनी भी आसान नहीं थी। उन्हें कैंडल के शुरुआती विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन शमी कपूर शुरुआत में कैंडल को शशि कपूर के परिवार के विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन शमी कपूर की पहली पत्नी गीता बाली से उन्हें समर्थन मिला, जो कि कपूर खानदान में वो पहले इंसान थी जिन्हें शशि कपूर और जेनिफर के प्यार के बारे में पता चला। और इसके बाद उन्होंने जेनिफर को एक दुपट्टा भी गिफ्ट किया। लेकिन छोटी बाधाओं के कारण 20 वर्षीय शशि कपूर ने 1958 में 25 वर्षीय जेनिफर से शादी की और रंगमंच के लिए ये युगल के प्यार में उन्हें मुंबई में ही पृथ्वी थिएटर का उन्होंने कायाकल्प करने के लिए ठान ली। और इन दोनों ने एक दूसरे की इस काम में काफी मदद भी की। कैंडल और शशि ने भी कई फिल्मों में एक साथ काम किया, विशेष रूप से मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन द्वारा निर्मित, सबसे विशेष रूप से बॉम्बे टॉकी। इस जोड़े के 3 बच्चे हैं, कुणाल कपूर, करण कपूर और संजना कपूर। उनकी अद्भुत और खूबसूरत प्रेम कहानी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई। जेनिफर को टर्मिनल कैंसर का पता चला और लास्ट में 1984 में वो अपनी जिंदगी की जंग हार गई। जेनिफर की मृत्यु के बाद सबसे पहले उनके बेटे कुणाल कपूर ने पृथ्वी थिएटर का संचालन शुरू किया। बाद में संजना कपूर ने अपने भाई को जुहू में स्थित थिएटर को चलाने में मदद की। इन सालों में शशि कपूर की पत्नी का निधन हो गया था, जो कि शायद उनके जीवन का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। जाहिर तौर पर जेनिफर की मौत के बाद परिवार गोवा में चला गया और यहाँ पर वो एक नाव के साथ समुद्र के बीच में गए और वहाँ पर बहुत ज्यादा रोए। उनकी मौत ने उन्हें पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। वो इस नुकसान से उबरने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे थे। पत्नी के गुजर जाने के बाद भी शशि कपूर ने काम करना जारी रखा। वास्तव में अपनी पत्नी के चले जाने के बाद उनके अभिनय में काफी निखार आया और वो काफी बेहतरी से काम करने लगे थे। लेकिन फिर भी उनके अंदर अभी भी कुछ हिस्सा था जो टूटा हुआ था। उनके जीवन का प्यार, उनके सच्चे साथी जेनिफर की मौत ने उन्हें बिल्कुल ही तोड़ दिया था। अनिल धारकर जैसे करीबी दोस्त उनके इमोशनल ब्रेकडाउन और फिजिकल ब्रेकडाउन के गवाह थे। जेनिफर की देखभाल और अनुशासन के बिना उन्होंने खाने और पीने के लिए अपनी दोनों कमजोरियों को खत्म कर दिया और इस तरह से दुख और पीड़ा के कारण उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता चला गया। वो साउथ बॉम्बे में स्थित जुहू में अपने घर की तरफ चले गए, जहां पर उनके बेटे कुणाल उनकी देखभाल करते थे। उन्होंने धीरे धीरे चुप्पी साधना शुरू कर दिया। अपनी वाइफ जेनिफर के गुजरने के 33 साल बाद दिसंबर 2017 में शशि कपूर के दिल ने भी धड़कना बंद कर दिया और इस तरह से हमने एक महान नायक को खो दिया और इस खूबसूरत प्रेम कहानी के आखिरी पात्र की भी मौत हो गई। लेकिन उन्होंने दशकों पहले ही अपनी जिंदगी जीना बंद कर दिया था। खैर, ये प्रेम कहानी करुणा, प्रेम और विश्वास से भरी हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य से ये निष्पक्ष प्रेम कहानी एक अलग ही दुखी कर देने वाले मोड़ पर खत्म हुई। शशि कपूर और जेनिफर की ये प्रेम कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। और आप तक बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही कई किस्से कहानी, प्रेम कहानी लगातार पहुंचाते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।